इसमें जो क्वेश्चन किए उसमें एल और सी अलग अलग लगे हुए हैं, कॉम्बिनेशन में नहीं है अभी। शीट नंबर 89 के बाद 90 में आरएल सर्किट हमने किया था, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 18, 19 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया था, 20 20 20 के अंदर अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि क्या गिवन है, आर, एंड इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, यानी कि इसमें आर और एल किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज इकट्ठे। फेज डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस क्या होता है, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, सी तो इसमें है ही नहीं, एक्स एल बाय आर। एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा बाय आर, ओमेगा पता है निकाल लोगे मतलब कि फ्रीक्वेंसी पता है, तो ओमेगा जाएगा 2.2 फ्रीक्वेंसी, एल पता है और आर पता है, आंसर 1 आएगा, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, 45। तो वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 45। कोई डाउट इसमें, ठीक है? आता क्वेश्चन नंबर 21। कॉइल व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट डीसी, ये बहुत टाइप जो नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीसी और एसी के मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। तो उसने कहा कि कॉइल, कॉइल समझते हो इंडक्टर, कॉइल का मतलब अपने माइंड में इंडक्टर, इंडक्टर में दो चीजें माइंड में आती हैं, आर एंड एक्स एल, और इसकी टोटल रेजिस्टेंस माइंड में क्या आती है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है? पर जैसे ही उसने बोला कि मैंने क्या लगाया इसमें डीसी, डीसी में एक्सएल नहीं होगा क्योंकि डीसी में इंड्यूस ईएमएफ तो होती नहीं, एक्सएल जीरो हो जाता है, लास्ट टाइम किया था। तो उस केस में कह रहा है जब मैंने 10 वोल्ट डीसी लगाया तो करंट कितना आया, 2 एम्पियर। तो जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जेड नहीं आएगा, मेरे पास सिर्फ आर आएगा, क्योंकि जब डीसी करंट जाएगा तो उसमें एक्सएल का कोई काम नहीं है, सिर्फ आर का काम है, तो आर आ गया। लेकिन वो कह रहा है जब मैंने इसको एसी लगाया 10 वोल्ट का, एसी 10 वोल्ट का मतलब आरएमएस वैल्यू गिवन है, इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू एक ही बात होती है, तो करंट कितना आया, 1 एम्पियर। अब जब मैं इफेक्टिव ईएमएफ या आरएमएस ईएमएफ को आरएमएस करंट से डिवाइड करूंगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस में क्या लेंगे, जेड। एसी के अंदर ईएमएफ बाय करंट क्या देगा आपको, आर या एक्सएल नहीं देगा, जेड देगा सीधा, टोटल रेजिस्टेंस इज जेड, जेड आ गया। इसके बाद ये लिख सकते हो इसी के अंदर, ये स्टेप ये डायरेक्टली लगा रहे हैं, हम एक स्टेप और लिख लेंगे इसमें, क्योंकि जेड इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर इज जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये स्टेप लिख लो प्लीज बीच में, क्योंकि वो डायरेक्टली लगा रहे हैं तो याद आ जाएगा इसमें।
तो इसके अंदर हम देखो एक्स एल अंडर रूट लेंगे तो एक्स एल ये आ जाएगा, जेड पता है, आर पता है, एक्स एल आ गया। उसने कहा एक्स एल के साथ क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब एल, एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यहां से एल कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22nd क्वेश्चन में 80 वोल्ट 800 वॉट हीटर, ये ना इलेक्ट्रिसिटी में याद है ऐसे रेटिंग लिखी होती थी किसी हीटर या बल्ब के ऊपर, तो वो हीटर इतने वोल्ट पे चलता है 800 वॉट पे, इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो आपको याद होगा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर इज वी इज इक्वल टू आई से हम क्या निकालते थे, आई निकाल लेते थे, तो उसकी करंट की रेटिंग कितनी है 10 एम्पियर पे चलेगा, और ओम लॉ से हम वी बाय आई से आर भी निकाल लेते थे, तो बल्ब का आर आ गया। अब ये है क्या चीज, कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ अ चोक रिक्वायर्ड, ये हीटर का मतलब चोक है, चोक हीटर ऐसे बना होता है गोल गोल वायर से, इंडक्टर टाइप ऐसे जो जो खाना गर्म करने के काम आता है, वो वाला जो पुराने हीटर्स उसमें लंबी 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 तारे होती थी ऐसे लंबी 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 बहुत ज़्यादा, उसमें करंट पास लाल हो जाता था एकदम, रॉड्स लाल हो जाती, क्यों, रॉड के अंदर भी तो तारें होती हैं वायर, उसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई है कि हीटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि तार गर्म होती है सेक आ जाता है बाहर। तो ये सेम चीज़ है, ये एक इंडक्टर है, और इंडक्टर जिसमें एक्स एल भी है जिसमें आर भी है, इसको चोक कॉइल भी बोलते हैं। तो चोक का मतलब होता है इंडक्टर जिसमें आर और एक्स एल दोनों होते हैं, ट्यूब के अंदर भी चोक लगी हुई है, वो देखो चोक कॉइल, उसको ब्रेक करके देखोगे किसी ट्यूब की चोक को तो ऐसा ही दिखेगा वो भी। तो इसके अंदर जो निकालना क्या है, एल निकालना है। अब मुझे समझ में आता है कि ये तो उसकी रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको आरएमएस वैल्यू कितनी दी 100, तो अगर वी अफेक्टिव है, अफेक्टिव का मतलब आरएमएस एक ही बात है, अगर वी अफेक्टिव है तो करंट भी अफेक्टिव है, डिवाइडेड बाय जेड, जेड क्या होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, क्योंकि चोक कॉइल का मतलब आरएल सर्किट होता है, एक्सएल इज एल ओमेगा, एल इंटू ओमेगा का मतलब 2.2 फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू मुझे गिवन है 100, मुझे करंट पता है, करंट की वैल्यू कितनी चाहिए हीटर को 10 एम्पियर, मुझे इसमें आर पता है, ओमेगा पता है, मुझे क्या नहीं पता एल, एल कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन वाइज लंबा है बट एल कैन बी कैलकुलेटेड। ये फॉर्मूला जेड का लगाया मैंने, आरएल सर्किट है ना चोक कॉइल, तो आरएल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को इंपेडेंस बोलते हैं, तो मैंने क्या किया, आई आरएमएस इज वी आरएमएस बाय जेड, जेड इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये चोक कुछ नहीं आरएल सर्किट ही है बेसिकली। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, एक स्टूडेंट है, कनेक्ट्स अ लॉन्ग एयर कोर कॉइल ऑफ मैग्नेटिन वायर, ठीक है कोई वायर है टू 100 वोल्ट डीसी, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, डीसी कॉइल है, इंडक्टर है जिसको 100 वोल्ट पे चला दिया, और उसमें करंट कितना आया 1.5, जब डीसी करंट वोल्टेज को डीसी करंट से डिवाइड करेंगे तो एक्सएल का कोई काम नहीं है, सीधा क्या आएगा आर, तो डीसी कैलकुलेशन इसलिए गिवन होती है ताकि सीधा आर आ जाए आपके पास। लेकिन वो कह रहा है मैंने उसको किस पे चलाना है, एसी पे, आरएमएस वैल्यू 100, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो करंट कितना आता है 1, जब मैं एसी की वोल्टेज को एसी के करंट से डिवाइड करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या आएगी जेड, एसी को डिवाइड करेंगे ईएमएफ करंट तो जेड, डीसी को करते हैं तो आर। तो कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है, क्या ऑब्जर्वेशन है, तो जब आपने एसी के लिए किया तो आरएमएस वैल्यू को आरएमएस करंट से डिवाइड किया तो जेड आ गया, अब जेड की वैल्यू कितनी आई 100, आर कितना आया था चेक करके बताना 66, जेड ज्यादा आया, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है सर्किट में तो करंट कम हो जाता है, ठीक, तो करंट क्या हो जाएगा इसमें डिक्रीज हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन है कि आपने देखा कि करंट इसमें कम हो गया। फिर वो कह रहा है कि इसमें आप एक्सएल निकाल के दिखाओ सेकंड पार्ट में, तो सेम रिजल्ट, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आरएल सर्किट है, एक्सएल एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, जेड पता है आर पता है, सॉल्व करके आंसर।
तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वोल्ट डीसी आर अप्लाइड, फिर से डीसी 200 वोल्ट, तो करंट कितना आया? 2। अब ये तो रट क्या होगा, डीसी की वोल्टेज, डीसी का करंट तो आर आ गया। तो व्हेन 200 वोल्ट एसी 50 साइकिल्स पर सेकेंड, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकेंड या हर्ट्स या साइकिल्स पर सेकेंड एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी। आरएमएस वैल्यू गिवन है, जब इतनी एसी वोल्टेज आएगी इतना करंट आएगा, इनको डिवाइड करके क्या आएगा, जेड। क्या निकालना है, आर, आर आ गया। इंपीडेंस, इंपीडेंस क्या होती है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एंड इंडक्टेंस, इसने जेड तो निकालना नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, निकालना होगा तो करें, एल भी चाहिए, अच्छा जेड आ गया, सॉरी सॉरी, जेड निकाल दिया, डिवाइड करके सीधा ही आ गया, ऐसी जरूरत ही नहीं। अब आपको एल निकालना है, सेम फॉर्मूला, एक्स एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रहा एक्स एल इज एल ओमेगा, जेड पता है, आर पता है, ओमेगा इंटू एल आएगा, ओमेगा पता है तो एल कैन बी कैलकुलेटेड। देखो क्या गिवन है, 60 वोल्ट आएगा यहाँ पे, करेक्शन कर लो, 60 वोल्ट 10 वॉट इलेक्ट्रिक लैंप इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज मींस, यानी कि एसी की रेटिंग गिवन है, और बल्ब किस पे ऑन होता है, 60 पे। मुझे समझ में नहीं आया उसने ये इफेक्टिव क्यों लिखा है, इसे ना भी लिखता तो भी ठीक था हमारे लिए, तो हम पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई करके क्या निकाल लेंगे, आई 1/6, और आर निकाल लेंगे वी स्क्वायर बाय P से, इलेक्ट्रिसिटी वी स्क्वायर बाई पी, याद है, क्योंकि पावर क्या होता है, ई स्क्वायर बाई आर, तो आर आ जाएगा और करंट आ जाएगा, ठीक। हमने उसको एसी पे ऑन करना है, आपको इंडक्टेंस निकालना है चोक का कितना है। अब क्योंकि आपने आर निकाल लिया, आरएमएस वैल्यू 100 है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इंपीडेंस क्या होगी, इंपीडेंस है आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ बाय करंट, करंट हमने उसकी रेटिंग से निकाल लिया, उसको कितना चाहिए 1/6, आरएमएस वैल्यू कितनी है 100, तो जेड आ गया। फिर वो कह रहा है मुझे तो एल भी निकालना है। अब रिएक्टेंस एक्स एल क्या होता है, जैसे बोली एक्स एल अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रहा जेड पता है, आर पता है आंसर, तो एक्स एल इज एल ओमेगा, ओमेगा इज 2.2 फ्रीक्वेंसी, एल कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। यहाँ था सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसी के अंदर एक और भी पार्ट है, इफ रजिस्टर इज टू बी यूज इन प्लेस ऑफ अ चोक कॉइल, कह रहा मैं एक्स एल नहीं यूज करना चाहता, मैं सिर्फ आर यूज करना चाहता हूँ, और रिजल्ट मैं सेम चाहता हूँ, तो मुझे आर कितना यूज करना पड़ेगा, मेरे पास आर है कितना, 360। सेम रिजल्ट के लिए मुझे नेट रेजिस्टेंस जेड कितनी चाहिए, 600 है, कितनी 360 चाहिए, कितनी 600, तो मुझे आर की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, कितना 600 माइनस 360 यानी कि 240, फिर सेम रिजल्ट आ जाएगा, करंट सेम हो जाएगा, मतलब कि ठीक है। यहां तक नेक्स्ट, 12 ओम रेजिस्टेंस,
क्या आगे बना है आर, इंडक्टेंस ऑफ 0.005 बाय पाई हेनरी एल सीरीज में है, तो ये सर्किट कौन सा है, एल आर सर्किट, और 130 वोल्ट आरएमएस वैल्यू के बना है, करंट इन सर्किट निकाल लो, तो आर पता है, एल पता है, ई आरएमएस पता है, इंपेडेंस क्या होती है, आर स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर, सॉल्व करके इंपेडेंस आ गया, आरएमएस करंट क्या होगा, ई आरएमएस बाय जेड आंसर। फेज डिफरेंस पूछ रहा है आरएल सर्किट में क्या होता है, एक्स एल बाय आर, क्योंकि टेन फाई का फॉर्मूला क्या था, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, एक्स सी तो है ही नहीं तो एक्स एल बाय आर, तो टेन इनवर्स में आंसर आ गया, ठीक, तो फाई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो आई होप कि अब इस टाइप के असाइनमेंट हो जाएगी, एक जैसे क्वेश्चन तो है, डीसी एसी डीसी एसी डीसी एसी, बस वही चीज है, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। इसके बाद शीट नंबर 92,